ओके फ्रेंड्स, आज हम करेंगे फ्रेजेस एंड वर्ड्स सर कैलाश चंद्र मैगजीन की ट्रांसक्रिप्शन नंबर 7 पार्ट 1 से। अभी तक हमने 6 पार्ट कर लिए हैं और पहले मैं आपको फ्रेजेस लिख के दिखाएंगे इस एक्सरसाइज से, उसके बाद आपको इसके वर्ड्स लिख के दिखाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा हो रहा होगा और आप इसको प्रैक्टिस अच्छी तरह करिए सेम एक्सरसाइज को और पूरी तरह इसको लिखिएगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ सके। और अब मैं शुरू करता हूँ। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, फ्रेज देखिए। सबसे पहले आई वुड लाइक टू से दैट। अगर आई वुड लाइक टू से आए तो आपने सिर्फ से होगा तो ऐसे लिखना है। जब आई वुड लाइक टू से दैट आए तो आपने से दैट एस इसमें आ जाएगा। आई वुड लाइक टू से दैट द हो तो द कर दीजिए, नहीं तो यहीं तक रोक लीजिए। दिस मेजर इज वेरी सिंपल। दिस मेजर वी आर नाउ, दिस इज वी आर डबल होगा, वी आर नाउ। टू माई माइंड आई लगा दीजिए, नो प्रॉब्लम, और क्लियर हो जाएगा आपको। टू माई माइंड जितना क्लियर होगा उतनी आपकी ट्रांसक्रिप्शन स्मूथ होगी, जल्दी होगी। नेक्स्ट इज इट विल नॉट बी पॉसिबल। बहुत सिंपल है ये, इट विल नॉट बी पॉसिबल। इन दिस कंट्री वी नो, इन दिस कंट्री ऐसे करिए, इन दिस कंट्री ऐसे करिए, वॉट एवर यू लाइक। इट विल बी एबल टू। इट विल बी सेड। आई वुड लाइक सिंपल। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसमें आप देखेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऐसे दिया है। अगर आप इंडस्ट्रियल इसको लिखते हैं तो प्रोडक्शन इसके साथ भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जैसे आप ठीक समझे। सिमिलरली इंडस्ट्रियल सेक्टर जब आता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर को नीचे भी करके लिख सकते हैं। दोनों में से जो आपको ठीक हो, जिस पर आप यूज टू हो वही करिए। नेक्स्ट इन्होंने दिया है नॉट बिकॉज। ये थोड़ा सा ध्यान से इसको लिखना आपने, क्योंकि इनकेस भी ऐसे लिखते होंगे शायद आप, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हो सके तो इसको अवॉइड करिए। नॉट बिकॉज लैक ऑफ एफ की हुक, लैक ऑफ द आ जाए तो द इसके साथ भी लग सकता है, लेकिन यहां पर नहीं है। ऑन द पार्ट ऑफ द दो तरीके से लिख सकते हैं। ऑन द पार्ट ऑफ द दोनों लिख सकते हैं आप, जो आप चाहें। ये ज्यादा अच्छा है, इस पर हाथ बैठेगा, क्योंकि ऑफ भी हो जाता है द भी हो जाता है। इसमें ऑफ नहीं आएगा, इसमें ऑन द पार्ट ऑफ द। प्राइवेट सेक्टर ऑफकोर्स हम सब जानते हैं, प्राइवेट सेक्टर सिंपल। बिकॉज ऑफ द हमेशा इकट्ठा लिखिए। दैट वी आर नाउ, दैट मैंने बता रखा आपको, दैट वी आर के साथ नाउ, दैट वी आर नाउ। आई हैव मैंशनड MN जो है मैंशन से कटता है। बिलो मैंशन, दिस इज बिलो मैंशन, दिस इज अबव मैंशन, दिस इज आई हैव मैंशन। सेवरल टाइम्स, सेवरल ऑन द लाइन SV, सेवरल टाइम्स सिंपल ज्वाइनिंग है। सेकेंड फाइव ईयर प्लान SK, फाइव ईयर प्लान हम ऐसे लिखते हैं, और इसके नीचे पैरेलेटिक ऑलवेज डालिएगा ताकि इसका FYP कैपिटल हो जाए फाइव ईयर प्लान का। इन दिस हाउस ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दिस हाउस आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वट एवर यू लाइक। इन दिस हाउस, हाउस का H कैपिटल होगा, ध्यान रखिएगा। आई वुड नाउ सिंपल है, आई वुड नाउ। एंड ऑनरेबल मेंबर्स, एंड ऊपर जाता है हमेशा, एंड द ऑनरेबल मेंबर्स मैनेजिंग एजेंट्स,
एम एजेंट्स सेइंग दैट, दिस इज सेइंग दैट, आर नो लॉन्गर, ये एनजी डबल होगा, सॉरी स्पेस नहीं है, नो लॉन्गर, नो के नीचे ये लगा दीजिए, एनी लॉन्गर ना हो जाए, आर नो लॉन्गर, क्लियर डबल करिए उसको. नेक्स्ट इज ही वुड लाइक, सिंपल ही वुड लाइक, अगर देना है तो आई दे दीजिए, नहीं तो उसकी भी जरूरत नहीं है. ही वुड लाइक इन अमेरिका, इन अमेरिका इन्होंने ऐसे कर रखा है विच इज डेंजरस. आप अमेरिका पूरा तो ऐसे होता है और नीचे जरूर देना है, फिर भी अगर आप इसको करना चाहें तो डोंट डू इट विदाउट पुटिंग दिस टू टिक्स विच विल इंडिकेट कि ये नाउन है कोई. आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन टू अंडरस्टूड है, सर्टेन अमाउंट एज द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैज सेड, डबल करना पड़ेगा, हैज सेड, सर्व्ड इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस ऐसे होता है कंपनीज केस. देन लास्ट इज नाउ ए डेज, दैट्स ऑल, फ्रेजेस यही है, इसी में प्रैक्टिस करिए अच्छी तरह से. ओके फ्रेंड्स, अब हम वर्ड्स देखते हैं. फर्स्ट इज रिस्ट्रिक्टिव, दिस इज रिस्ट्रिक्टिव, रिस्ट्रिक्शन अगर आ जाएगा इसमें तो रिस्ट्रिक्शन आप ऐसे कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्टिव ऐसे करना है आपको. रिजिड, आर जे हाफ, जे यहीं रुक जाएगा, रिजिड. नेक्स्ट इज हैम्पर, ओके हैम्पर अबव द लाइन आएगा, एमपीआर हैम्पर, उसके बाद है थ्रेश होल्ड, THR थ्रेश होल्ड, दिस इज वन ऑप्शन, अनदर ऑप्शन इज थ्रेश होल्ड, ये दोनों ऑप्शन है जो आप करना चाहें. उसके बाद है अशोक मेहता, नाम आते रहते हैं अशोक S, ये आपने अशोक किया, इसके नीचे पैरेलल टिक जरूर आएंगे, नहीं डालोगे तो मुश्किल हो जाएगा आपको. मेहता को आप एम्प्टी कर लो, मेहता, क्योंकि इसको बनाएंगे तो बहुत टाइम भी लग जाता है. वी कैन अंडरस्टैंड अशोक मेहता. नेक्स्ट इज स्लाइडिंग, दिस इज स्लाइडिंग कोटेशंस, बहुत कम इसमें वर्ड्स, बहुत कम है कोटेशंस. प्रोफेसर्स, दिस इज प्रोफेसर्स, SRS. फ्लोटेड, दिस इज फ्लोटेड. उसके बाद है इन्वेस्टिंग, दिस इज इन्वेस्टिंग. लास्ट है ओवरऑल, दिस इज ओवरऑल. फिर उसके बाद टाइट भी है, टाइट वी कैन राइट लाइक दिस. दैट्स ऑल, थैंक यू.